नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और बहुत बहुत अच्छे हो गए। और आज है छठ पूजा का खरना, तो मतलब पहली अरग का तो मैंने डाल दिया था दोस्तों, और ये है खरना का दिन। तो इसमें मतलब आज मतलब उपवास रहता है दिन भर, और शाम को मतलब शाम मतलब क्या 6-7 बजे तक खरना होता है। तो उसमें बनता है चा मतलब ये खीर बनता है रसियाव टाइप का। तो ये बिहार क्षेत्र में ना बहुत ही प्रसिद्ध मतलब पर्व है छठ पर्व। और छठ पर्व की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, क्योंकि और मेरे पूरे परिवार के तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपनी बहन के घर में कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पता ही है मैं रहती हूँ अकेले। और अकेले इतना बड़ा पर्व बहुत बड़ा है, 3-4 दिन का मतलब व्रत इसमें रहता है, व्रत ही रहता है। जैसे गेहूं चुनने से मैंने आपको दिखाया था, तो गेहूं चुनने के दिन भी ऐसे ही रहा जाता है, जब तक गेहूं चुन के साफ़ करके धो के और फिर सूख ना जाए तब तक मतलब कि उपवास ही रहता है। तो वो तुरंत सूखेगा भी नहीं, या धोआ धो के और तुरंत आप लोगों को पता ही है तो सूखने में तो टाइम ही लगता है। उस दिन भी हम लोग का 1-2 बज ही गया था, और आज भी और नहाई खाई के दिन भी कद्दू भात जिस दिन बनता है उस दिन भी तो 2-3 बज गया था उस दिन भी। तो ऐसा हो ही जाता है मतलब। और यहाँ पे मेरी दीदी ना चूल्हा जला रही है, ये वो बनाने के लिए क्या कहते हैं खीर, और अंदर इसी रूम में छठ हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी चूल्हा जला रही है, और सबसे ज़्यादा तो दीदी ही काम करती है मेरी। तो ये दीदी बना रही है और लकड़ी उकड़ी जोड़ रही है, बाकी हम लोग सारा कुछ मतलब वहाँ पे जो जो बोल रही है वो कर रहे हैं, वहाँ पे हैं हम लोग भी। और ये देखिए दूध को छान के और ये करके पहले पूजा किया जाता है, तो थोड़ा मोड़ा क्लिप इधर उधर हो गया था। तो ये पहले पूजा को चूल्हा का पूजा किया जाता है टीका उका लगा के, और सब लोग मतलब करते हैं, और दूध छान के और उसके बाद ये क्या कहते हैं उसमें डाल के, जैसे कि कुछ भी रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सब लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे के, और सब लोग कर रहे हैं, हम लोग चार जन कर रहे हैं। दीदी की मतलब तीनों गोतनी, मतलब दीदी की 2 गोतनी और एक दीदी है, तो मतलब तीनों गोतनी कर रही है, और एक मेरी दीदी है और एक मैं कर रही हूँ, 4 आदमी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ना कोई भी मेकअप नहीं करते हैं, तो हम लोग का चेहरा आप लोग को देख के पता ही चल जा रहा होगा। इसमें ना कोई भी मेकअप नहीं किया जाता है, बस ऐसे ही रहा जाता है, और ना ही चप्पल हम लोग पहनते हैं। जब से व्रत स्टार्ट हो जाता है चप्पल भी नहीं पहनते, बहुत कठिन व्रत है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो लेकिन जो भी है, और छठ माता का बहुत इसमें ना बहुत ये रहता है, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, तो इसलिए गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसलिए मेरी दीदी लोग के घर में ना बहुत मतलब अच्छे से मेरा व्रत हो गया था बहुत अच्छे से। और मैं उस टाइम ना फ़ोन वगैरह भी मुझे छूना नहीं था, तो इसलिए ये सब वीडियो मैं थोड़ा लेट से डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है दोस्तों, क्योंकि पूजा वूजा करने में इतना टाइम बहुत टाइम लग जाता है, बिजी हो जाते हैं। और जब सब कुछ ख़त्म होगा, जैसे कि सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊँगी। वीडियो तो मैं बना ली हूँ, लेकिन डालने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, पूरे रूम में धुआं हो गया, फिर भी हम लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि और कहीं तो बैठ नहीं सकते हैं ज़्यादा, इसलिए यहीं पे बैठे हुए हैं। और दीदी और दीदी की यहाँ पे दीदी बना रही है खीर, तो दूध गर्म हो गया है, तो उसमें डाल रही है चावल और उतारी मतलब कि, और इसमें अभी और भी कुछ कुछ पड़ना है, तो इसलिए अभी उतारी। और ये ना और किसी से बन भी नहीं पाएगा इतना ज़्यादा, मतलब बहुत लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए, जैसे थोड़ा बहुत भी सबको मिल जाए ना तो बहुत है। तो छठ इतना मतलब महान पर्व है ना कि इसका मतलब प्रसाद सबको मतलब थोड़ा बहुत भी खोजता है, लेकिन खोजता है, इसलिए थोड़ा सा भी मिल जाए ना तो बहुत मतलब कि ये होता है, अच्छा होता है। और प्रसाद खाना चाहिए, जिसके घर में नहीं भी होता है ना, वो दूसरे के घर में जाके प्रसाद खाते हैं, लेकिन खाते हैं, मैं भी जाके खाई हूँ बहुत के घर में,
जब मैं नहीं करती थी, तो पर ये साल मैंने किया है। और कद्दू भात के दिन भी सब लोग मतलब कि खाते हैं प्रसाद, और इस दिन भी खाते हैं। तो कद्दू भात का दिन ना सबको उतना बुलाते नहीं है, क्योंकि मैं कहीं हम लोग के घर में होता है तो हम लोग तो खा ले, अपने घर में हुआ तो खा ही लेंगे, लेकिन दूसरे के घर में मैं जाके कभी उतना खा ही नहीं हूँ प्रसाद वगैरह कद्दू भात वाला। लेकिन ये क्या बोलते हैं, खरना वाला सब लोग खाते हैं और सब लोग ये करते हैं। यहाँ पे दीदी अपना काम कर रही है और मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनवा दे रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए बच्चे लोग को बोल रही हूँ, और देखिए दोस्तों जितना हो सके उतना ही वीडियो बन पाएगा, थोड़ा बहुत ही क्योंकि अब ये पूजा में बिजी रहने के कारण तो उतना ज़्यादा भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, शाम भी हो गया है और सब खीर वगैरह बन गया है। तो यहाँ पे ना अब सब तैयारी हो रही है, यहाँ पोछा ओछा लग रहा है, साफ़ सुथरा हो रहा है। और यहाँ देखिए मैं ना छठ पूजा के लिए ये वाला साड़ी ली हूँ और ये चूड़ी वगैरह। और यहाँ पे ये देखिए सब लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं और सब लोग तैयार हो गए हैं। जैसे दीदी भी मेरी तैयार हो गई है देखिए, और दीदी ने भी टीका नथिया पहना है, मैंने भी पहन लिया है। और लेकिन मेकअप वगैरह नहीं करना है, तो मेकअप हम लोग नहीं किए हैं। और यहाँ पर सब लोग देखिए, दीदी की गोतनी है और ये बड़ी वाली गोतनी है, और ये देखिए मम्मी लोग सब लोग बैठे हुए हैं। और मतलब कि हम लोग सबका ना साड़ी रेड कलर का ही हो गया था और अच्छा भी लग रहा था, और सब लोग करते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर लगता है। तो ये देखिए सब लोग, और अभी हम लोग का पूजा स्टार्ट नहीं हो, मतलब पूजा अब हम लोग करेंगे, पहले थोड़ा बहुत तैयार होके थोड़ा मोड़ा फ़ोटो खिंचवा ले रहे हैं। लेकिन लेट भी हो रहा था बहुत ज़्यादा, दीदी के साथ बहुत बोल भी रही थी क्योंकि लेट हो रहा था ना इसीलिए। तो वो ना सब जैसे जैसे वो बता रही थी ना वैसे वैसे हम लोग कर रहे थे, और वैसे वैसे करना ही है क्योंकि तो जैसे बड़े बताते हैं वैसे करना चाहिए और अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये देखो अब हम लोग पूजा छठ पूजा बहुत कठिन है, बहुत कठिन दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बार किया ना। देख ले रहे हम पूरा गोबर दिया है। वही है ना, कुछ पड़े ना, नहीं नहीं पड़ रहा ना, सामान है। हाँ 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 कुछ नहीं है, हाँ नहीं पड़ रहा, नहीं ये वो जो परिवार आप कर रहे हैं पूरा पच्चीस वाला छुए होगा। नहीं नहीं सुबह जाते हैं हाँ ले पच्चीस ना छुए, पच्चीस वाला छुए नहीं छुए वो रहा हाँ अगर मैं कैसे ना लगे पर बात है जिन्हें हाँ चल है ना, पिन्हाई है।
नहीं म्यूट मम्मी कर देती हूँ। हाँ अभी तो मम्मी कर देती है। हाँ म्यूट कर देती है, हल्का आवाज डाल देती है, फिर अपना आवाज डाल देती है। तो आप लोगों ने देखा ना दोस्तों, जैसे जैसे दीदी की सास बता रही थी वैसे वैसे ही हम लोग कर रहे थे। और अपने मन से कुछ भी नहीं करना रहता है, क्योंकि देखिए कुछ भी गलती एकदम होना ही नहीं चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे ना दीदी भी मतलब सबको मतलब ये सिंदूर लगा दे रही है, और यहाँ पे नाक से हम लोग सिंदूर लगाते हैं। और ये ना दोस्तों बिहार झारखंड ये तरफ बहुत फेमस, मतलब बहुत ये प्रसिद्ध पर्व है, फेमस नहीं प्रसिद्ध, और बहुत ही ये महान पर्व है छठ पूजा। और आप लोग इधर के अगर जो होंगे ना उन्हें पता भी होगा कि छठ पूजा कितना ज़्यादा मतलब कि ये है। और कुछ भी सच्चे मन से मांगो ना छठी मैया से तो ज़रूर पूरा करती है। इसलिए आप लोग भी छठी मैया का मतलब कि अगर पूजा करते हैं तो सच्चे मन से मांगिए और सच्चे मन से पूजा करिए और पूरे साफ सुथरा से, तो देखिए सब कुछ ज़रूर आपका मनोकामना पूर्ण होगा। और आप लोग भी यहाँ पे अगर आप लोग के तरफ नहीं होता है तो आप लोग देखिए हम लोग कैसे करते हैं सब पूजा वगैरह। और आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये देखिए यहाँ पे बस हम लोग का हो ही गया है, तो हम लोग ना अब यहाँ पे खरना करेंगे। और यहाँ पे अभी ना हम मतलब सब लोग सिंदूर लगाए थे तो हाथ धो ले रहे हैं, क्योंकि सिंदूर वाला हाथ सबके मतलब हो गया है इसीलिए। और तो यहाँ पे बस हम लोग सबका सिंदूर भी लग गया है नाक से। और यहाँ पे ना सीधी पल्ला ही पहना जाता है ये साड़ी, ये क्या बोलते हैं छठ पूजा में सीधी पल्ला, मतलब कोई भी पूजा में ज़्यादातर सीधी पल्ला ही पहना जाता है। और सब लोग देखिए अब बैठ गए हैं और अब बोल रही है अब कुछ भी वीडियो वगैरह बनाना नहीं है, तो बस खिड़की वो लोग बंद कर दी थी, क्योंकि एकदम ये खरना का ना जो पूजा होता है ना एकदम शांत, मतलब एकदम कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ये आगे का क्लिप था, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो ये ना इस टाइम निकाल के रखी ही थी, और मतलब प्रसाद निकाल के रखी थी पूजा मतलब करने के लिए। और पहले तो पूजा वगैरह हो ही गया है और बस उसके बाद हम लोग बैठे थे, तो थोड़ा बहुत हम लोग ना वीडियो मैं बोली कि चलो बना लेते हैं। तो ये रूम के अंदर ना कोई भी नहीं आ सकता है, सब बाहर से ही जो हो रहा था ना बाहर से ही हो रहा था, बाहर से वीडियो बन रहा था, बाहर से सब कुछ हो रहा था। और यहाँ पर भी दीदी की सास ना बता ही रही थी, और अभी देखिए थाली प्लेट लगा रहे थे। और अब यहाँ पे सब जगह ना पहले ना ये क्या बोलते हैं पहले पानी से गोल गोल लीप लिया जाता है और उसके बाद थाली रखा जाता है सब जगह, मतलब बहुत ज़्यादा नियम रहता है, इतना ज़्यादा नियम रहता है कि मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को कि मतलब कोई भी चीज़ जो भी है ना सब कुछ नया चाहिए। और यहाँ पे ये जो कोना में पीढ़ा रखा हुआ है ना वो भी नया ही आया है, और नया साड़ी सारा कुछ हम लोग नया ही साड़ी वगैरह पहने हैं। और बस हम लोग ना इसके बाद खरना करेंगे, जो प्रसाद खाएंगे उसके बाद सब लोगों में प्रसाद बंट जाएगा। तो पहले हम ही लोग खाते हैं, जो व्रत रखते हैं ना वही लोग खाते हैं, तो बस हम लोग खा रहे हैं मतलब खाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब उसके बाद फिर ना वीडियो नहीं बनता है, क्योंकि फिर ना एकदम मतलब कि एकदम से शांति में एकदम कोई भी कुछ बोले नहीं या कोई भी कुछ ये नहीं करे, शांति में सब कुछ होता है। तो उसके बाद ना जब हम लोग खाने लगते हैं तो सब लोग चले जाते हैं और गेट वगैरह सब बंद कर देते हैं, और गेट उट बंद करके और उसके बाद मतलब कि खाते हैं जो भी करते हैं, तो वही खाने हम लोग ना गेट उट बंद करके और उसके बाद फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे सब मतलब कि वही गोल कर रहे हैं लीप के और उसके बाद रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप ले लिए थे जितना हो सके, और दोस्तों ज़्यादा तो नहीं लिए थे। और उसके बाद हम लोग खा लिए थे, उसके बाद सब लोगों में प्रसाद बट गया था। ये देखिए सब कटोरी में निकाल रहे हैं, मतलब कि निकाला जाता है अपने बच्चों लोग के लिए, ये जो भी है मेरे से जो छोटा है ना वो खा सकते हैं, मेरा
मतलब ये जो मैं छोड़ूंगी ना वो प्रसाद वगैरह, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा निकाल दे रहे थे और फिर उसके बाद जो छोड़ेंगे वो निकाल देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो में और नए दिन के साथ, की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जाते जाते बोलिए छठी मैया की जय। और दोस्तों, यहाँ संध्या अर्घ का भी वीडियो मैं थोड़ा बहुत डालूंगी, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए, हम लोग मम्मी के साथ थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा रहे थे, मतलब फ़ोटो वगैरह करवा रहे थे, और बस।